प्रश्नावली 3.3 के आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं जहां से हमने छोड़ दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोच ने जो चीज़ें खरीदी है उन चीज़ों को पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोच ने क्या खरीदा? कोच ने खरीदा है 7 बल्ले और साथ में खरीदा है 6 गेंद। दोनों के लिए उन्होंने कितना रुपया दिया? 3,800 रुपये दिए। उसके बाद दोबारा फिर से कोच ने खरीदा, कोच ने दोबारा खरीदा 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे। दोनों के लिए उन्होंने कितना पैट किया? 1,750 रुपया पैट किया। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य। तो जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो, माना 1 बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया तथा 1 गेंद का मूल्य बराबर Y रुपया। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखो, जहाँ पे बल्ला है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? X रखेंगे, क्योंकि ये बल्ले का मूल्य है। तो यहाँ पे बल्ला लिखा है, यहाँ पे X लिखो, और जहाँ पे गेंद है वहाँ पे Y रखना है। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 7X प्लस 6Y बराबर 3,800 रुपया। इसी तरह से 3X प्लस 5Y बराबर 1,750 रुपया। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको हम समीकरण 2 नाम देते हैं। अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 से 7X प्लस 6Y बराबर 3,800 रुपये। ये हो गया 7X। ये जो 6Y है उसको उस पर पक्षांतर कर देंगे। तो प्लस में है तो क्या होगा? उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया -6Y। यहाँ पे 7 जो है x के साथ गुणा के रूप में है, मतलब ये गुणा के रूप में है। तो उस साइड में कहाँ पे जाएगा? नीचे पे, तिर्यक गुणा के रूप में नीचे पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 -6Y अपान 7। तो यहाँ पे x का मान निकल गया। अब हम इस x के मान को कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखो, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 है 3, और x के स्थान पे क्या रखेंगे? x के स्थान पे रखेंगे 3,800 -6Y अपान 7 रखेंगे। फिर प्लस 5Y दिया हुआ है बराबर 1,750। अब इसको हल कर देते हैं। तो ये जो 3 है इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा 11,400 -6×3 18Y, और नीचे में है 7 प्लस 15Y बराबर 1,750। अब यहाँ पे देखो, इसका जो नीचे का मान है ये 7, और इसके नीचे का मान क्या है? 1 है। तो क्या दोनों का मान बराबर है? नहीं। तो क्या करेंगे? दोनों के मान को बराबर करेंगे। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 7×1 कितना हो गया? 7। अब इस 1 का गुणा इस पूरे के साथ करेंगे तो कितना आएगा? यही मान प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11,400 -18Y, और ये प्लस इस 7 का इसके साथ गुणा होगा, 7×5 कितना हो गया? 35Y बराबर ये भी 7 हो गया। मतलब टोटल जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नीचे में जो मान आ गया है वो तो 7 है, ठीक है। तो ये पूरा मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 1,750। अब ये जो 7 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? नीचे में है। तो नीचे से अगर इस साइड पे जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर की ओर, तिर्यक गुणा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या? 11,400 -18Y प्लस 35Y बराबर 1,750×7 हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखो, ये है माइनस में, ये प्लस में है, घटा दो तो कितना प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा 17Y प्राप्त होगा, और यहाँ पे 11,400, और ये प्लस चिन्ह बड़ा है तो प्लस चिन्ह के साथ 17Y प्राप्त हो गया। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा
12,250 प्राप्त होगा। अब ये जो 11,400 उसको उस पार ले जाते हैं, तो 17y बस यहाँ पे बचेगा और पक्षांतर होकर इस साइड पे आएगा, तो ये हो जाएगा -11,400 हो जाएगा। घटा दो इसको, तो घटाने पे ये प्राप्त होगा 850 बराबर 17y। तो यहाँ पे y का मान प्राप्त हो रहा है y बराबर 850 और अपान 17। तो यहाँ पे भाग दे देते हैं अब इसको, तो y का मान निकल जाएगा 17 पंचे और 17 शून्य, ठीक है। तो ये आ गया 50, तो y का मान प्राप्त हो गया 50। अब इस y के मान को हम चाहे समीकरण एक में रखें चाहे समीकरण दो में रखें, किसी भी समीकरण में रखोगे x का मान निकल जाएगा। तो y के मान को हम रख लेते हैं समीकरण एक में, तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो y है, y का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक है 7x+6 और y के स्थान पे कितना रखेंगे 50, तो ये हो 50 और ये है 3800। आगे अब इसको हल कर देते हैं, तो ये हो गया 7x और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा और ये 3800। इसको उस पर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 7x बचेगा और ये 3800 इस साइड आके ये हो जाएगा 300 जो है वो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7x बराबर घटा देंगे 3500 आ जाएगा। थोड़ा सा बाकी इसको साइड पे हल कर लेते हैं हम। अब ये जो 7x है, ठीक है, 7 के साथ x का गुणा है, तो 7 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 3500/7, तो यहाँ पे x बराबर भाग दे दो, 7 5 35 00, तो x का मान प्राप्त हो गया 500। तो एक बल्ले का मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 500, और जो y है वो गेंद का मूल्य है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे हमें तीन मान निकालना है। क्या क्या निकालना है? एक तो नियत भाड़ा निकालना है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ। एक है नियत भाड़ा, ठीक है, इसको ज्ञात करेंगे। दूसरा ज्ञात करेंगे किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, किलोमीटर भाड़ा भी निकालेंगे। और तीसरा जो है वो 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसको भी ज्ञात करेंगे। मतलब एक प्रश्न में तीन मान निकालेंगे। तो चलो अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो, माना माना नियत भाड़ा भाड़ा बराबर एक्स है, ठीक है, एक्स रुपीज लिखो, तथा किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपीज है। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये पैट करता है, ठीक है, इसी तरह से 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये पैट करता है। तो यहाँ पे जहाँ पे किलोमीटर लिखा है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, लेकिन नियत भाड़ा नहीं दिया है तो क्या करेंगे, नियत भाड़ा को इसके आगे लगा देंगे एक्स, ठीक है, और ये हो गया 10 किलोमीटर, किलोमीटर को क्या लिखेंगे वाई, और बराबर ये हो गया 105 रुपये, ठीक, समझ में आ गया। इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। इसी तरह से फिर लगाएंगे नियत भाड़ा, क्योंकि यहाँ पे आगे में कुछ नहीं है, ठीक है, नियत के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम एक्स को लगाएंगे, तो नियत भाड़ा के मान को हम यहाँ पे एक्स लगा देते हैं और यहाँ पे 15 किलोमीटर, तो ये 15 और किलोमीटर के स्थान पे क्या लगाएंगे वाई, तो ये आ गया वाई बराबर 155। इसको हम दूसरा समीकरण नाम देते हैं। अब हम समीकरण एक को हल करेंगे। तो समीकरण एक से एक्स प्लस 10y बराबर 105, तो ये हो गया एक्स और ये जो 10y उसको उस पर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो गया 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब ये जो एक्स का मान है इसको समीकरण दो में रख दो। तो समीकरण दो में
एक्स के मान रखने पर, तो जहां पे एक्स है यहां वहां पे क्या रखेंगे, 105 रखेंगे, तो 105 माइनस 10 वाई, और यहां पे है प्लस 15 वाई बराबर 155। ये जो 105 है इसको उस पार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 155, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 105 हो जाएगा। यहाँ पे घटा देंगे, एक प्लस है एक माइनस में है, तो घट के कितना प्राप्त होगा, 5y प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 5y बराबर, घटा देंगे इसको भी, तो ये प्राप्त हो गया 50। तो y का मान 50/5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 × 5 = 10। तो y का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया 10। अब क्या करेंगे, इस y के मान को आप चाहे समीकरण एक पे रखो चाहे समीकरण दो में रखो, x का मान निकल जाएगा। तो हम इस मान को समीकरण एक पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो y के मान को समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक है x प्लस 10y बराबर 105, तो ये x प्लस 10 × y का मान कितना है, 10 है, तो 10 रख दिया और ये हो गया 105। तो x प्लस 100 बराबर 105, ये जो 100 है उसको उस पर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे बचे क्या, सिर्फ है x बस बचेगा, और ये हो गया 105 माइनस 100 बराबर x बराबर 5 प्राप्त हो गया। तो x का मान 5 प्राप्त हो गया। ये जो y का मान है ये है किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, ये क्या है, किलोमीटर भाड़ा, एक मान निकल गया यहाँ पे। अब ये जो x का मान है, x को हमने क्या माना था, नियत भाड़ा, तो ये निकल गया नियत भाड़ा। अब हमें सिर्फ एक और मान निकालना है, कौन सा, 25 किलोमीटर का भाड़ा बस निकालना है, तो निकाल देते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो ये हो गया 25 किलोमीटर, मतलब 25, इसको y लिखो, ठीक है, किलोमीटर को हम किससे दर्शाते हैं, y से। तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 10 बराबर 250 रुपये, मतलब 25 किलोमीटर चलने में उन्हें 250 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, तो ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हर और अंश को मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लो, पहले माना अंश का मान x तथा हर का मान बराबर y है। अब यहाँ पे अंश और हर को लिख लो, तो अंश को x और हर को हमने क्या माना था, y। अब दोनों में हमें कितना जोड़ना है, +2, तो ये रहा +2 और +2। दोनों में जब +2 जोड़ेंगे तो दोनों का जो भिन्न मान प्राप्त होगा वो 9/11 प्राप्त हो गए, यही कहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये बन गया। अब हम इसको आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तिरिया गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो नीचे के दोनों मान को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे है 11 + 2, सॉरी यहाँ पे एक्स है ना, एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या 11, तो ये 11 इसके साथ गुणा हो गया। इसी तरह से 9 के साथ गुणा हो जाएगा y प्लस 2 का, इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 11x, और ये 11 × 22, ये हो जाएगा 9y प्लस 9 × 18। इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। फिर आगे प्रश्न में फिर कहा है, उसको भी भिन्न के रूप में बांट लेते हैं। तो आगे प्रश्न में क्या कहा है, आगे कहा है कि हर और अंश, मतलब अंश और हर दोनों में +3 जोड़ देंगे इस बार, तो ये है अंश है और ये हर है, इन दोनों में हम 3 को जोड़ देते हैं, तो भिन्न कितना बन जाएगा, इस बार 5/6 बन जाएगा। अब इसको भी आगे हल कर लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी तिरिया गुणा करेंगे, तो ये हो गया 6 और x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3 हो जाएगा, अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया 6x प्लस 6 × 12, 6 × 18 हो जाएगा, ये 5y प्लस 5 × 15, इसको हम दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण एक को पहले हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखो समीकरण एक से 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18,
तो यहाँ पे 11x यहीं पे रहने देते हैं, 22 को उस पर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस 22, तो 11x बराबर यहाँ पे घटा देते हैं तो 9y, और ये घट जाएगा तो घटने के बाद आएगा -4, तो ये x बराबर इस 11 को उस पार ले जाते हैं, तिरिया गुणा के रूप में नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y -4/11। अब x का मान यहाँ पे निकल गया, इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो रख दो, तो ये है 6, और x का मान कितना है, 9y -4/11 प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 9 6 54, तो ये आ गया 54y माइनस 6 6 24, और नीचे में 11 है, इस 18 को उस पार पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे 5y है प्लस 15 है, पक्षांतर करेंगे तो -18 हो जाएगा, तो ये हो गया 54y माइनस 24/11 बराबर 5y, और ये घट के प्राप्त हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 है इसको इस साइड पे ले जाएंगे, तिरिया गुणा के रूप में ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 54y माइनस 24, 11 5 55, और y इसके साथ भी गुणा होगा तो 11 3 33। अब वाई वाई वाले को एक साइड पे रख लेते हैं, और जो अचर राशि है उसको एक साइड पे रख लेते हैं, तो ये वाई वाला है ये वाई वाला है, ठीक है, इसको इस पार ले जाते हैं, तो ये हो गया 55y माइनस 54y, और यहाँ पे क्या है, पहले से 24 है, और इसको हम इस साइड पे लाएंगे 33 को, तो ये प्लस 33 हो जाएगा, घटा दो यहाँ पे, तो इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा, और यहाँ पे y हो गया, तो y का मान प्राप्त हो गया 9। अब इस y के मान को चाहे आप समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण दो में रखो, x का मान निकल जाएगा, तो हम y के मान को समीकरण एक में रख देते हैं, यहाँ पे लिखो y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है 11x प्लस 22 बराबर 9, और y के स्थान पे क्या रखेंगे 9, तो ये हो गया 9 प्लस 18, तो ये हो गया 11x प्लस इस 22 को उस पार ले जाएंगे, तो ये हो गया 9 9 81 और प्लस 18, और ये 22 को साइड लेंगे तो ये -22 हो जाएगा, ये हो गया 11x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 99 -22, तो 11x बराबर घटा दो तो ये प्राप्त हो गया 77, तो यहाँ पे x का मान 77/11 हो जाएगा, थोड़ा सा बचा इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो x बराबर यहाँ पे प्राप्त हो गया 11 7 77, तो x का मान प्राप्त हो गया 7, और x और y के दोनों मान हमें निकालना था, तो यही है, यही क्या है हमारा आंसर है। अब लास्ट प्रश्न बचा है उसको भी हल कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या होगा? तो हमें वर्तमान आयु बताना है, तो हम मान लेते हैं जैकेब की आयु और पुत्र की आयु को, जिसे हमें ज्ञात करना होता है उसे हमें मान लेना होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे माना जैकेब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, इसी तरह से उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकेब की आयु, अब यहाँ पे बाद और पूर्व का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब होता है भविष्य और पूर्व का मतलब होता है भूतकाल, तो भविष्य में जब भी जाएंगे तो 5 को मतलब भविष्य में जाएंगे तो प्लस करेंगे, और भूतकाल में जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बाद बोला है मतलब भविष्य में जाने की बात बोला है, तो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखो जैकेब, यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकेब की आयु बराबर, जैकेब की आयु एक्स है और 5 वर्ष बाद का है मतलब एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष बाद, इसी तरह से पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष आगे जाएंगे, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु
बराबर पुत्र की आयु क्या है, वाई, वाई प्लस 5 वर्ष, ठीक, दोनों की आयु में गया। अब दोनों की आयु को तुलना कर दें तो यहां पे लिखोगे प्रश्न अनुसार जैकेब की आयु है एक्स प्लस 5 और पुत्र की आयु है वाई प्लस 5। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 5 वर्षों बाद जैकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 गुनी किस साइड पे लगेगा, पिता के साइड पे लगेगा, पुत्र की साइड पे? तो जो छोटा रहता है उसी के साइड पे हमेशा लगता है, छोटा कौन है, तो ये तो पिता है और ये पुत्र है, तो पुत्र की साइड पे लगेगा, ये हो गया 3 गुनी। अब आगे इसको हल कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 3 वाई प्लस 5 15। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद आगे और निकाल लेते हैं, एक और समीकरण निकलेगा यहाँ पे। तो फिर कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो 5 वर्ष पूर्व जैकेब की आयु बराबर, जैकेब की आयु क्या है एक्स, और पूर्व का है मतलब भूतकाल में जा रहे हैं, मतलब माइनस लगाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व। इसी तरह से पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर वाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक, दोनों की आयु में गए। अब फिर से प्रश्न अनुसार लिखो यहाँ पे, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार इन दोनों की तुलना कर देते हैं, तो एक्स माइनस 5 बराबर वाई माइनस 5। अब फिर से प्रश्न में क्या कहा है, 7 गुनी, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये 7 गुनी किसके साइड लगेगा, पिता के साइड के पुत्र के साइड, तो मैंने कहा था छोटे के साइड, तो छोटा कौन है, पुत्र ही छोटा है, तो वाई माइनस 5, तो यहाँ पे लग जाएगा 7 गुना। आगे अब इसको हल कर लो, तो एक्स माइनस 5 बराबर ये हो गया 7 वाई और 7 पंचे 35, तो ये आ गया 35। इसको हम दूसरा समीकरण नाम देते हैं। अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से एक्स प्लस 5 बराबर 3 वाई प्लस 15, तो ये हो जाएगा एक्स, और इस 5 को उस पार ले जाओगे, तो ये हो गया 3 वाई प्लस 15 माइनस 5, तो यहाँ पे एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 3 वाई, और ये घट के कितना प्राप्त हो गया 10। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में एक्स के मान को रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, एक्स का, एक्स जहाँ पे है यहाँ पे हम लिखेंगे 3y+10, 3y+10, और यहाँ पे माइनस 5 लगा हुआ है, फिर यहाँ पे है 7y-35। बस इसको अब आगे बस हल करते जाने हमें, तो ये हो गया 3y, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 5, और यहाँ पे 7y-35। तो वाई वाई वाले को एक तरफ और जो संख्या संख्या उसको एक तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ पे है 7y, इस वाई वाले को इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से इसको इस साइड ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले से ही 5 है और 35 यहाँ पे आएगा, तो प्लस 35 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 40 बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो 4y हो जाएगा, तो y बराबर 40 बटा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 एकम 4 दहाई, तो 10 से कट गया, तो y का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया 4। अब y का मान तो निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, x के मान को निकालेंगे, तो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y का मान है उसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखोगे, x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 5 बराबर 3y+15, तो ये हो गया x प्लस 5 बराबर 3y का मान कितना है 10 है और प्लस 15, तो x और इस 5 को भी उस पार ले जाओ, तो ये हो गया 10 किया 30 प्लस 15, और ये माइनस 5 हो जाएगा, तो x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45 और माइनस 5, तो x बराबर ये प्राप्त हो गया 40। तो x जो है ये जैकेब की आयु है और जो y है ये पुत्र की आयु है, और दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता की मतलब जैकेब की वर्तमान आयु 40 वर्ष,
और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे।